हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं गाजर की कांजी की रेसिपी, जो होली पर बहुत बनती है और पेट के लिए बहुत अच्छी है। जो कांजी पी जाती है वो अगर आपका पेट खराब है तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है, और घर में बनाना तो बहुत ही बढ़िया है। इस कांजी के वड़े भी बनते हैं, कांजी वड़ा, और ये है, मैं गाजर और इससे बना रही हूँ। आप देखिए, एक गाजर मैं इसमें से यूज़ करने वाली हूँ, और ये है बीट रूट, चुकंदर इसको हिंदी में कहते हैं, और आपको पता है इसका अपना कलर होता है, तो उस कलर को देने के लिए मैं इसमें ये डाल रही हूँ। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएं, ये हमने राई को पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, पिसी हुई भी आती है, आप वो भी डाल सकते हैं। ये लिया है हमने काला नमक, एक चम्मच हम राई यूज करेंगे, आधा चम्मच काला नमक यूज करेंगे, सफेद नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और कुछ भी नहीं है, पानी है, एक बड़ा ग्लास हमने पानी लिया है। पहले हम थोड़ी मात्रा में बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको छील लेंगे। गाजर को हमने धो लिया है, आजकल आपको पता है सभी लोग धोकर सब्जियां अच्छे से सुखा लेते हैं, तो हम सबसे पहले इसको गाजर को छील लेंगे। आगे से हमने इसको कट कर लिया है, इधर पीछे से भी हम कट कर लेंगे। अब हम इसके पतले पतले लंबे जो है ना पीसेस काटेंगे, आप ऐसे बीच में से, आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड पे कर सकते हैं ऐसे। आप अगर बहुत ज्यादा सफेद पार्ट है तो आप उसको निकाल दें इस तरह से, और ऐसे आप कर लें, पतले पतले आप स्लाइस काटें जो खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये जो व्हाइट पोर्शन है, जहां से भी पका हुआ सा है, उसको आप निकाल दीजिए। बहुत इजीली इसके पीस हो जाते हैं, अगर ये फ्रेश गाजर है तो बहुत आसानी से कट जाती है, मुश्किल नहीं है, और बहुत थोड़ी आप बनाकर देख सकते हैं। एक गाजर से बनाकर देखिए, शुरू में टेस्ट सबको पसंद नहीं आता है, बट धीरे धीरे इसका टेस्ट जो है आप अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे आप पीना शुरू करते हैं आपको अच्छी लगने लगती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए हर चीज़ मौसम के हिसाब से ज़रूर आपको ट्राई करनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा ड्रिंक है। अब हम बीट रूट ले लेंगे हाफ, इसको भी हम छील लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर है, बिल्कुल फ्रेश है, जूसी है। जिस भी चीज में आप कलर यूज करना चाहें, सब्जी में, कोई सैलेड में, तो बीट रूट बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके लिए, कि थोड़ा सा डालिए और ये कलर बहुत अच्छे से आ जाता है। इसको भी हम अच्छे से छील लेंगे, सब्जियों को अच्छे से पहले से धोया हुआ है, और इसके भी हम स्लाइस करेंगे। इस टाइप से हम इसके स्लाइस करेंगे, पतले पतले, देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ऐसे बीच में हम कट लगा लेंगे, और ऐसे हम इसके छोटे छोटे, देखिए लंबे पीस, आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है, बहुत छोटे छोटे कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे डाल सकते हैं, बट मुझे ये ऐसे स्लाइस लंबे वाले पसंद हैं, तो देखने में सुंदर लगते हैं, खाने में भी टेस्टी होंगे। तो इस टाइप से जितनी भी बीट रूट आप डालना चाहें ऐसे आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो कर दीजिए, लाइक आप कीजिए, लाइक से हमें कोई ऐसा मनी नहीं मिलती है, लाइक से हमें हौसला अफजाई होती है कि हाँ आपको पसंद आया, और हम दूसरी रेसिपी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। अब हम लेंगे ये बाउल कांच का, और इसमें हम डालेंगे ये गाजर और चुकंदर, और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच राई और नमक स्वाद अनुसार, काला नमक आधा चम्मच, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। बन सकती है कोई इससे जल्दी रेसिपी, और जो इतनी अच्छी हो, 5 मिनट नहीं लगेंगे।
जितना सब्जी काटने में टाइम लग रहा है बस उतना। और ये मिक्स किया हमने पानी, इसको अच्छे से चलाया और इसको अब हम कपड़े से बांध कर, ऊपर से कपड़े से बांध कर धूप में रख देंगे। देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने ऑलरेडी 4-5 डेज से डाली हुई है, और कलर डिफरेंस देखिए। ये देखिए इस कांजी का कलर कितना अच्छा हो गया है। ये मैंने कपड़े से बांध के, मलमल के कपड़े से बांध के इसको धूप में रखा, और आपको ये बताऊं ये खट्टा हो गया है बहुत अच्छा। और कलर देखिए इसका, गाजर का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ दोनों में। ये देखिए गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं, पककर तैयार हो गई हैं, और कलर तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया, और खाने में भी बहुत टेस्टी। यानी आपको शुरू में अगर आपने अभी तक नहीं खाया है तो आपको लगेगा, लेकिन उसके बाद बिल्कुल नहीं। बाउल में निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ, वाइट बाउल में आपको दूर से दिखेगा। ये देखिए परफेक्ट। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।